अंगदान महादान, ये महज कहने की बात नहीं है, अब इसका असर दिख रहा है। लोग अंगदान के प्रति जागरूक हुए हैं और आगे भी आए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2013 से पहले 5000 से भी कम अंग प्रत्यारोपण होता था, लेकिन अब 3 गुना बढ़कर 18000 से ज्यादा हो गया है। अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जुलाई के महीने को अंगदान जन जागरूकता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान का असर है कि 1 जुलाई से हर दिन औसतन 500 से ज्यादा लोग अंगदान की शपथ ले रहे हैं। लगभग सारे राज्यों में ये अभियान चल रहा है और हमारी जो भारत सरकार के मंत्रालय उनमें भी अभियान चल रहा है और रोज लगभग 500 से 600 लोग इसमें अपने शपथ भी ले रहे हैं, जो कि अंगदान की प्रतिज्ञा ले रहे हैं और जिसका प्रतिज्ञा का पंजीकरण हमारी वेबसाइट पे हो रहा है। अंगों की मांग और आपूर्ति में भारी कमी है। अकेले किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हर साल 2 लाख नए लोग जुड़ जाते हैं और महज 13000 मरीजों का ही किडनी ट्रांसप्लांट हो पाता है। वहीं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हर साल 40 से 50 हजार लोग जुड़ जाते हैं। दिल की ट्रांसप्लांट के लिए 50000 नए लोग जुड़ जाते हैं। हाल के वर्षों में फेफड़े के ट्रांसप्लांट के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए देश भर के अस्पतालों सहित कई जगहों पर कियोस्क लगाए गए हैं, ताकि लोग वहां अंगदान की शपथ ले सकें। अंगदान जो यूजुअली ब्रेन स्टेम डेथ की सिचुएशन में होता है और जब डॉक्टर सर्टिफाई कर देता है तो हार्ट को रुकने में टाइम होता है, तो जो ब्रेन डेथ हो गई है और जो हार्ट रुकेगा उसके बीच में जो गैप है, उसमें हम सबको अगर डॉक्टर पूछते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ पूछता है, क्या आप अंगदान करना चाहेंगे, और अगर आप अंगदान करना चाहते हैं उस समय पे तो ज़रूर करिए। और एक व्यक्ति अंगदान करके 8 से 9 लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। एक व्यक्ति के अंगदान से 8 लोगों की जीवन बचाई जा सकती है। दुर्घटना के बाद ब्रेन डेड हुए व्यक्ति का अंगदान किया जा सकता है। इस वक्त मैं सफदरजंग अस्पताल में हूं और आप ये देखिए कि डेस्क लगा हुआ है, ये कियोस्क है जहां पर अंगदान की शपथ आप ले सकते हैं। क्योंकि एक अस्पताल है ये और अस्पताल में बहुत से लोग आते हैं और जिनको भी इच्छा हो अंगदान की शपथ लेने की वो यहां पे करा सकते हैं। इस वक्त एक महिला है जो इसमें मैं अंगदान कर रही है। अच्छा, आप बताएं कि क्या सोच करके आपने अंगदान की शपथ लिया है? अगर मरने के बाद कुछ करा जा सके तो कर ही ले, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे ही। ये जो कियोस्क है इसमें पूरा डिटेल बताया गया है कि अंगदान कैसे ले सकते हैं, किन किन अंगों को आप दान के लिए शपथ ले सकते हैं, और उसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पर और वो ताउम्र अपने पास रखेंगे और अपने जो परिजन हैं उनको भी बता सकेंगे कि उन्होंने अंगदान की शपथ ली है, और जब वो उनकी किसी कारणवश डेथ होगी तो उसका उपयोग किया जा सकता है, अंग को का उपयोग किया जा सकता है। कैमरामैन ललित के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, सफदरजंग।